नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से आज उनके जन्मदिन पर मानिकतला पुलिस वर्चुअल पूछताछ कर रही है। उनसे सुबह 10:05 पूछताछ की जा रही थी और पुलिस बयान दर्ज कर रही थी। ये पूछताछ मिथुन चक्रवर्ती के उन विवादित बयानों पर की जा रही थी जो उन्होंने बीजेपी के चुनाव रैली के दौरान दिया था। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मार्च के पहले हफ्ते में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए थे। चक्रवर्ती ने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर बीजेपी का दामन थामा था। इस दौरान उन्होंने मंच से हुंकार भरते हुए अपने कई डायलॉग बोले थे। उन्होंने कहा था कि मैं कोबरा हूँ, कोई हक छीनेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। इसी दौरान मंच से मिथुन चक्रवर्ती ने अपना मशहूर डायलॉग बोला था। मशहूर डायलॉग मारूंगा यहाँ लाश गिरेगी शमशान में बोला था। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये डायलॉग पुराना हो गया है और अब नया डायलॉग है, मैं पानी का सांप नहीं हूँ, मैं कोबरा हूँ, दंश मारने से काम तमाम हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जोलधरा सांप भी नहीं हूँ, बेलबोरो सांप भी नहीं, मैं कोबरा हूँ, एक दंश में ही काम तमाम कर दूंगा। इन बयानों को लेकर कोलकाता के मानिकतला थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप लगाया गया था कि मिथुन चक्रवर्ती के इस हेट स्पीच के कारण बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई है।